हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले Asus ROG फोन 4 के बारे में। तो जो दोस्तों सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में हाइप में चल रही है Asus ROG के लिए, वो दोस्तों ये है। इस बार आपको एक बेजल लेस स्क्रीन देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे टीजर्स वगैरह निकल के आए हैं कि मतलब लुक अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली आप भी देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल बेजल स्क्रीन है और अगर हम इसको जूम इन करते हैं तो डेफिनेटली हमें भी फ्रंट में कोई भी आपको कैमरा देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि हो सकता है आपको जो फ्रंट कैमरा देखने को मिले वो हो सकता है आपको इनबिल्ट देने को मिल जाए। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आपको ऊपर में देखने को मिले, मतलब पॉपअप सेल्फी मैकेनिज्म भी हो सकता है। पर दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर की, तो डेफिनेटली यहाँ पे कन्फर्म हो गया स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट वाला 5 नैनोमीटर बेस्ड आपको प्रोसेसर इसी फोन में देखने को मिलने वाला है। वहीं आपको 6.59 इंचेस की एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अभी रिफ्रेश रेट को लेके कोई भी ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ दोस्तों सब जगह ये बताया जा रहा था कि Asus ROG फोन 3 में आपको 144 हर्ट्ज की देखने को मिली थी। बहुत जगह लीक्स ये भी आए कि 180 हर्ट्ज की होगी, बट बहुत जगह ये भी आए कि वही 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट को वापस से किया जाएगा। बट डेफिनेटली अगर हम बैटरीज वगैरह की बात करते हैं दोस्तों, तो गाइस चांसेस ये हैं कि 7000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी इसी फोन में। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको 2021 का ये सबसे पहला फोन देखने को मिल जाए जहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाए, जो कि अब गेम खेलने वाले को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो ये फ़ोन लेने जाएगा दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी गेम ही होगी, क्योंकि एज इफ ये माना जाता है Asus ROG वर्ल्ड का बेस्ट गेमिंग फ़ोन। तो अगर हम इसमें कैमरास वगैरह की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कंफर्मेशन अभी वही है कि 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी डेफिनेटली उसको लेके कोई भी अलग से न्यूज़ नहीं देखने को मिली है कि आपको कैमरा में कुछ और देखने को मिलेगा। इतना पता चल रहा है कि वही आपको, जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था, ऊपर आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ अपडेशन में यही हुआ है, लीक वगैरह यही हुए हैं कि जो डिज़ाइन वगैरह को लेके आया है नया न्यूज़, उसको आप देख रहे हैं दोस्तों कि कैसा डिज़ाइन वगैरह कर दिया गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पे गेमिंग फ़ोन को, तो गेमिंग फ़ोन से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा एक कॉस्टली एक प्रीमियम फ़ोन लग रहा है। अब अगर फुल स्क्रीन का सपोर्ट है तो डेफिनेटली गेमिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा। और अगर 180 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट आ जाती है तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा पावर पैक ऑल इन वन चीज़ का सपोर्ट देखने मिल जाए और आपको इसको चलाने में मज़ा भी आए। बाकी दोस्त जैसे कि Asus ROG फोन 3 में आपको कूलर्स वगैरह देखने को मिले थे, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो करते हैं मैंने, आई होप आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।